नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कुछ महीने पहले तक कांग्रेस नेता रहे विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन छठे चरण में जब 25 मई को हरियाणा में वोटिंग हुई और विजेंद्र सिंह ने वोट किया और उसके बाद उन्होंने एक्स अकाउंट पर जो कुछ भी लिखा उससे बीजेपी पानी पानी हो गई और कांग्रेस ने उन्हें थैंक यू बोल दिया। अब चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल राजनीति कितनी अजीब चीज है ये सब जानते हैं। जिसे आप कांग्रेस में समझ रहे हैं वो सुबह उठकर बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो कोई बीजेपी से रातों रात कांग्रेस में शामिल हो जाता है। ऐसे ही एक नेता है विजेंद्र सिंह, जो पिछले महीने रात को 11 बजे तक कांग्रेस के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, लेकिन सुबह होते ही अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस विजेंद्र को मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ लड़ाना चाहती थी, लेकिन बीच मझधार में छोड़कर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। इसी बीच छठे चरण में 25 मई को वोटिंग भी हुई। विजेंद्र सिंह अपने पैतृक गांव में वोटिंग करने के बाद एक सेल्फी पोस्ट की और उसमें लिखा, मेरा वोट जवान के लिए, किसान के लिए। इसको टैग करते हुए हरियाणा कांग्रेस ने लिखा, धन्यवाद बॉक्सर भाई, हम समझ गए भाई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विजेंद्र सिंह ने पोपट कर दिया और कैसे कांग्रेस गदगद हो गई और ट्वीट करके धन्यवाद कह रही है। जानकारी देते चलें कि 3 अप्रैल 2024 को ओलंपिक मेडलिस्ट और राहुल गांधी के बेहद करीबियों में शामिल रहे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। विजेंद्र सिंह ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर भगवा पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। बीजेपी में शामिल होने पर विजेंद्र ने कहा था कि उन्होंने ये फैसला भारत को विकसित राष्ट्रों की कतार में लाने के मकसद से लिया है। विजेंद्र सिंह एक जाना माना नाम है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। विजेंद्र सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा, जिसके बाद देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर विजेंद्र सिंह का नाम आ गया। आपको हम ये बताते चलें कि देश का पहला राज्य है जहां की जनता बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर रही, वो है हरियाणा। इसके साथ ही साथ हरियाणा के कई गाँवों में पोस्टर लगे कि बीजेपी प्रत्याशी का आना यहाँ मना है। और आप जानते हैं कि कैसे किसानों को लेकर मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने काम किया, इसीलिए जनता काफी आक्रोशित है और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार या तो 10 सीटों पर कांग्रेस विजय होगी, नहीं तो 8-10 सीटों पर वो जीत सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हाल है इस वक्त हरियाणा में। बीजेपी ने हार देखकर पीएम मोदी को हरियाणा के मैदान में उतारा था ताकि जाटों का गुस्सा कम किया जा सके, लेकिन हरियाणा के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उसका नतीजा 25 तारीख की वोटिंग में दिखा। अब देखना होगा कि 2014-19 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार हरियाणा में कितनी सीटें ला पाती है और कितनी गंवाती है। लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो सबसे ज़्यादा नज़रें निश्चित तौर पर हरियाणा पर रहेंगी। ऐसे में जिस तरीके से विजेंद्र सिंह ने वोट किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया जिस पर कांग्रेस ने उन्हें धन्यवाद कहा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।